माथे में बढ़ती न रे और सुजागत फिर से। अरे चार दिना की चमक चांदनी क्या का गबन करे सरे, चार दिना की चमक चांदनी क्या का गबन करे से। तेरे माथे में बढ़ती ले रे और सूजा गात मिले से, मेरे चार दिना की चमक चांदनी मेरे क्या का गबन करे सरे, चार दिना की चमक चांदनी क्या का गबन करे से। लाइन ध्यान से सुनना जी, बताया कि तेरे माथे में बढ़तीन रहे सूजिया गात फिरे से, अरे चार दिना की चमक चांदनी क्या चीज का घमंड करे से। ये हमारे बड़े बुजुर्ग ने कह दिया करे को बेटा, ये समाज में तीन चार चीज है जो पूरी उम्र दुख देंगी। कौन कौन सी? छोटी बेली, खेत में गैली, दारू की थैली और अनराम रही उम्र की चेली। सारी उम्र से दही ये हमारी कई माता भाण जाती। बताई बाबा दो संकट कटवाण को, बाबा संकट काटिए, बाबा आप जेल में पड़े मच्छर मारे तारे कितना संकट काटेंगे। पहली बात मैंने वो बताया, इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आदमी न्यू माने तेरे पास में पैसा है धन दौलत उस बात का तू घमंड कर ले, सदा नहीं रहना। पहली बात में के लिखा है क्यों करे। अरे मान लिया तेरे धन भी से, मान लिया तेरे धन भी से, या बड़ी बात नहीं से, धन वैश्या के भी हो जा जिक जात जमात नहीं से। कर्म करया अरे कर्म करया दंड पड़े भोगना तेरे हाथ नहीं से। मात पिता आए मात पिता तेरी बहू लाडली तेरा कोई भी साथ नहीं से, मात पिता तेरी बहू लाडली तेरा कोई भी साथ नहीं से। उस नगरी में ले जाया जगा रे 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 रे, उस नगरी में ले जाया जगा कई कोस परे से। चार दिना की चमक चांदनी क्या का घमंड करे से, धन भी से अब बड़ी बात नहीं से, यो धन वैश्या के भी हो जा जिक जात जमात नहीं से। अरे कर्म करा दंड पड़े भोगना यो तेरे हाथ नहीं से। मात पिता तेरी बहू लाडली कोई भी साथ नहीं से। तने उस नगरी में ले जाया जागा जो कई कोस परे से, चार दिना की चमक चांदनी क्या चीज का घमंड करे से। दूसरी बात मैं बताया, अक इंसान न्यू इस बात का घमंड करे कि तू जवान है, तेरे शरीर के अंदर ताकत है, सुंदर है। पंडित लक्ष्मी चंद ने लिख रखी है कि नर कर आगे का ख्याल मतना चौड़ा होकर चाल, बुढ़ापा बैरिया होगा के खेल खिलाओगा। पर आजकल बुढ़ापा भी और डाल का हो गया। हमारे ताऊ जी बैठे हैं, इन्हें देख एक बात याद आ गई। वो एक बूढ़ा अस्पताल में चला गया, जाकर बोला डॉक्टर तेन, डॉक्टर साहब मन कम दिखे है, मेरी आंख चेक करो। अब डॉक्टर ने उसकी मशीन पर ठोडी धरवा गए, आगे एक शीशा लगा दिया, आगे एक कैलेंडर लेकर खड़ा हो गया जिस पर तारीख लिखी रहा करे। ताऊ तो पूछी डॉक्टर ने, ताऊ कि मैं दो चार क्लास पढ़ रहा है, पढ़ा लिखा है? ताऊ बोले हाँ बेटा जा रहा हूँ चौथी पांची। अब एक तारीख पांगली धरी डॉक्टर ने, और ताऊ तो बोले ताऊ देख के बता कितनी तारीख पांगली धर रखी। ताऊ ने ला कर हाथ बोले भाई पांच तारीख पांगली धर रखी। डॉक्टर ने देखा तेरी भाण का दिखा बिल्कुल ठीक है। ताऊ के लिए ना उसने सोची कि बरा तुक्का मार दिया, दो चार पन्ने पलटे, एक तारीख और आंगली धरी। बोले ताऊ देख के बता कितनी तारीख पांगली धर रखी। ताऊ बोले बेटा दस पर धर रखी है।
डॉक्टर ने सोची तब बिल्कुल साफ दिखे है। अब उसने सोची कि मेरा बारीक अक्षर नहीं दिखते हूँ, एक छोटे अक्षर का कैलेंडर लेकर आया, घने छोटे जो कति छोटे बालका ने दिखे और दूर लेकर खड़ा होगा ना ताऊ एक तारीख पांगली धर का बोला ताऊ ये पता कितनी तारीख पांगली धर राखी है। अब ताऊ ने वह भी देख कर बता दी, बोला 30 पर राखी है। डॉक्टर को उठा छो कैलेंडर फेंक कर मारा, बोला ताऊ तने हमारा समय खराब कर दिया, नहीं बता तने के नहीं दिखता। ताऊ ला का हाथ बोला भाई सगाई आड़े नहीं दिखते, स्वाद लेन पहुंचे हॉस्पिटल में, ये रांडे भी गाँव गए नू बच रहे हैं, जनू मकान बनाए पास भाठा नहीं बजाया करी नू बच रहे हैं, यो हाल चाल ले गया तो ये सारे रांडे रोड पर घेर के रह रो तो काटे तो खत्म होंगे, नू खत्म नहीं हो क्यों लड़की गर्म मरवाण लागे और सिस्टम कई साल के। दूसरी बात में बताया इंसान को घमंड नू भी नहीं करना चाहिए, भाई तू जवान है सदा नहीं रहनी बुढ़ापा आना है, किस प्रकार से के लिए अरे खून रहना आवे बुढ़ापा, खून रहना आवे बुढ़ापा और ऊंचाटी होगी, बेटे और बेटियां की बहुत है तेरी तबीयत खाटी होगी, आँखियां ते तन कम दिखेगा तेरी रे रे माटी होगी, कोई भी ना तेरी पकड़े आंगली अरे हाथ में लाठी होगी, कोई भी ना तेरी पकड़े आंगली हाथ में लाठी होगी, कहया करे से थके सिर के रे 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 अरे कहया करे से थके सिर के मेरे का पास रे से चार दिन की चमक चांदनी क्या काम हमने करे से डेट में किसी ने भी देख लो सीधे मुंह बात नहीं करेगा, सब घमंड में बात करेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे। आखिरी बात मैंने बताया कि परमात्मा ने इतनी सुंदर जीव दी है, प्यार तो बोलना चाहिए, किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। कदे गधे कुत्ते बिल्ली ये तुमने भजन करते नहीं देखे होंगे, एक इंसान ऐसा जीव है जो भजन कर सकता है, परमात्मा का नाम ले सकता है। आखिरी बात में बताया कि परमात्मा को शुभ कर्म करने चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए, जिससे उसका अगला जन्म या फिर उसे मोक्ष प्राप्त हो। आखरी कली में निचोड़ करया कवि ने किया दर्शाया कैसे तू किसे की भी कोन्या माने इसी तेरी के अस्ती होगी, एक दिन उजड़े गा और जागा यो नगरी न्यू बसती होगी, श्री देवी दत्त कहे वृद्ध अवस्था में भंवर बीच किसती होगी, उस दिन नखरे रूप जवानी तेरी सबते सस्ती होगी, उस दिन नखरे रूप जवानी सबते सस्ती होगी, नेक चाल कमा के खाए रे 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 अरे नेक चाल कमा के खा बसिया ए बासरे से चार दिन की चमक चांदनी क्या का घमंड करे से।